पूर्व में बाहुबलियों की सीट कही जाती थी, पिछले दो तीन बार से अत्यंत बाहुबली विधायक चुने जाते थे, और जब इस बार डॉक्टर साहब का नामांकन हुआ तो पूरा शहर कह रहा था कि भाई बहुत सीधे और सरल स्वभाव के डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी हैं, और इस बार जनता ने ये दिखा दिया कि हमेशा जनता सरल व्यक्ति को, और जो स्वभाव से भी सरल हो, व्यवहार से भी सरल हो, और सेवा में दिन रात उनकी चिंता करता हो, ऐसे व्यक्ति को अपने विधानसभा में अपने प्रतिनिधित्व के रूप में भेजना चाहती है। मैं आवाज दूंगा डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी को कि वो आए और अपना आशीर्वाद दें। 85 अध्यक्षता करते हुए राजकुमार अग्रवाल जी, हमारे उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री मेरे मित्र राजेंद्र गुप्ता जी, झांसी के मेयर रामप्रीत सिंगल जी, और सभी 85 लोगों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी अतिथियों को जो लोग विभिन्न विभिन्न शहरों से आए हैं, आप सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। शिकायत सरकार से सभी को रहती है, जब भी एक पिता जब घर में होता है सभी बच्चों की अलग अलग डिमांड रहती है, और बहुत मुश्किल होता है कि कोई पूरी तरीके से सहमत हो कि ये ठीक है, मेरे हिस्से की चीज मुझे मिले। ये हमारा ऐसा ही जीवन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अद्भुत बात यह है कि सब लोग ये कहते हैं कि हमारी सरकार, ये एक विशेषता है। सब जितने भी व्यापारी हैं वो कहते हैं व्यापारियों की सरकार है, डॉक्टर्स कहते हैं ये हमारी सरकार है, किसान कहते हैं ये हमारी सरकार है। अभी एक साथी कह रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स सरकार को चला रहे थे। मजेदार बात यह है कि ब्यूरोक्रेट्स बिल्कुल चाहते ही नहीं थे कि सरकार है। इसका उदाहरण, इसका बिल्कुल जीता जागता जो उदाहरण था, जो बैलेट बोर्ड जो पोस्टल वोट थे वो बहुत कम मिले थे। हम लोग यदि पोस्टल वोटर्स की बात करें उससे हम लोगों बीजेपी की सरकार नहीं आती, ये बताती थी कि सरकारी कर्मचारी सरकार को नहीं लाना चाहते थे। तो यदि वो चला रहे होते, उनकी मनमानी चल रही होती, तो वो क्यों नहीं चाहते कि वे बीजेपी की सरकार आ जाए। होता क्या है, जब भी कहीं कड़क सरकार होती है और ज्यादातर लोग उससे नाखुश रहते हैं, लेकिन सर्वमान्य जनता जो है, गरीब जनता है, बहुत सारे लोग हैं, वो उसको चाहती है, उसको स्नेह करती है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं इससे अच्छा कुछ नहीं। डॉक्टर्स पे भी बहुत सारे कानून लगाए गए, क्योंकि डॉक्टर हूं मैं, समझ सकता हूँ। व्यापारियों पे भी बहुत सारे कानून लगाए, लेकिन ये बिल्कुल हम सब लोग एक डॉक्टर की दृष्टि से भी, व्यापारी की दृष्टि से भी, हम लोग जानते हैं इतनी सुरक्षा, इतनी चिंता करने वाली बात। और सरकार में अपने लिए भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं, अपने लिए जो हमारे या मोदी जी या योगी जी की बात करते हैं उनका परिवार कैसा रहता है, जो हमारे नेता हैं, जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनके ऊपर आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया कि 10 पैसे का भी उन्होंने भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार हम अपने लोगों में से ही, हमारे ही परिवार के लोग बहुत सारे ऑफिसर थे, कहीं सरकारी नौकरी करते हैं, धीमे धीमे ये खत्म हो रहा है और एक दिन खत्म हो जाएगा। व्यापारी तो पालनहार होता है, आप सब लोग तो देश को चलाने वाले हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका के लोग कहते हैं, अमेरिका की भी जो इकोनॉमी चलाता है उससे सरकार चलती है। इजराइल अमेरिका की इकोनॉमी चलाता है, इसलिए लोग कहते हैं इजराइल की अमेरिका में नहीं चलती। आप सब लोग तो पालनहार हैं, देश को चलाने वाले लोग हैं, आपसे देश चलता है, यही बिल्कुल सच है। सरकारी नौकरी तो एक दो परसेंट होती है, बाकी सब लोगों को, या तो किसान अपनी खेती कर रहा है, नहीं तो बाकी सब लोगों को नौकरी देने वाले लोग आप लोग हैं। आप लोग जीडीपी में आपका सबसे ज्यादा योगदान रहता है। हाँ, ये ठीक है, भारत की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो सम्मान मिलना चाहिए था वो और ज्यादा मिलना चाहिए। ये एहसास सभी सरकारी नौकरियों को, नौकरी करने वालों के लिए, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको ये एहसास होना चाहिए कि उनकी जो तनख्वाह है वो व्यापारियों के टैक्स से आती है, ये जरूर एहसास होना चाहिए।
तो जब कोई डीएम या एसएसपी या किसी भी ऑफिसर के सामने जाते हैं तो ये जरूर धीमे धीमे ये मैसेज जाएगा कि आपकी तनख्वाह जो आती है, जो व्यापारी आपके सामने खड़ा है, इसी की जेब से आ रही है। ये मैसेज धीमे धीमे जा रहा है और जाएगा। आपने देखा होगा जिस तरीके से पहले लोग व्यवहार करते थे ऑफिसर्स, अब नहीं करते हैं। और योगी जी का ये दूसरा टेन्योर आ रहा है, अब निश्चित ही मानिए पहला टेन्योर तो जब गड्ढे लोग इतने खोद के चले जाते हैं वो भरने में चला जाता है। कोरोना काल चला 2 साल का, तो कोरोना काल से 2-2.5 साल का, तो आप समझिए सब व्यापारियों को तो बेचारों का नुकसान हो, तो आप लोगों को जो सुखद समय था उसका एहसास हो नहीं पाया। निश्चित ही मानिए अब जो समय आ रहा है व्यापारियों के लिए बहुत सुखद समय आ रहा है कि कोई भी आपको कहीं कोई परेशान किसी भी हालत में कर नहीं सकता है। निश्चित समय का अभाव है। आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, यहाँ पर कई जिलों से बड़े बड़े व्यापारी नेता आए हुए हैं। मेरे कैमरे की नजर में देख रहे होंगे अलीगढ़ के एक व्यापारी नेता, नाम है उनका मानव महाजन। कैसा महसूस कर रहे हैं बरेली में आने के बाद, क्या कहना चाहेंगे मेरे दर्शक सुनना चाहते हैं? हिंदुस्तान का सबसे पुराना सबसे बड़ा व्यापार मंडल है। आज जिस प्रकार यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने समस्या रखी है, 13 अप्रैल को जो तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश का व्यापारी वहाँ एकत्रित होगा और अपनी आवाज़ को जो तरीके से प्रयोग करेगा, सरकार को व्यापारियों की बात माननी ही पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर आज तय हुआ है। अच्छा, सम्मेलन व्यापारियों का मंडलीय समाप्त हुआ है और वरिष्ठ व्यापारी नेता राजेन गुप्ता जी कैमरे की नज़र में हैं। गुप्ता जी, आज क्या क्या समीक्षात्मक रूप में कम शब्दों में कहना चाहेंगे, क्या निष्कर्ष निकला है? देखिए 20 जनपदों के लोग आज यहाँ पर रैली में आए थे और हम लोगों ने उन जो हमारा 13 अप्रैल का लखनऊ का भव्य शपथ ग्रहण समारोह उसकी तैयारियाँ की, उसके साथ साथ हमने सभी जनपदों के अध्यक्षों को ये आज छूट दी थी कि भाई अपने अपने यहाँ के व्यापारी मुद्दों को आप डिस्कस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 3-4 मुद्दे ऐसे जबरदस्त आए हैं जिन पर बहुत गंभीरतापूर्वक चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि उन मुद्दों को संकलित करके हम लोग प्रदेश की मीटिंग में रखेंगे और प्रदेश की मीटिंग में रखने के बाद या तो उस पर सरकार से सकारात्मक कार्रवाई और निर्णय कराएंगे और नहीं तो फिर व्यापार मंडल उन मुद्दों पर जो है वो निर्णायक संघर्ष करके नट सेल में निष्कर्ष में बताएंगे कौन कौन से मुद्दे हैं। एफएसडीए का खाद्य सुरक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा आज डिस्कस हुआ है, एक नामित राज्यसभा कानून अच्छा नहीं है खाद्य सुरक्षा का, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। एक विधान परिषद में व्यापारियों को नामित करने की बात बड़े शिद्दत के साथ यहां पर उठी है, उस पर हम लोग कानूनी रूप से सब चीजों को व्यापारी कल्याण बोर्ड की चर्चा हुई है, व्यापारी कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन हो और पुनर्गठन होने के साथ साथ वह सशक्त व्यापारी कल्याण बोर्ड बने, इसकी भी चिंता आज सब व्यापारी लोग व्यक्त कर रहे थे। मंडी शुल्क को लेकर भी कोई बात, और मंडी शुल्क को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा हुई है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। पिछली सरकार में भी माननीय योगी जी से हमारी बात हुई थी, पुनः इस बात की बात करेंगे। सुरक्षा को लेकर के व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस देने के लिए प्राथमिकता रहे, ये सारे मुद्दों की बात हुई है, इन पर अब हम शासन के समक्ष जो बात ले जाएंगे उनसे बात करके इसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे।